हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डू यू स्टिल लिव इन डैश पिशावर। सो ये आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो यहाँ कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पिशावर का यूज़ किया गया है। पिशावर जो है एक प्रॉपर नाउन है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, ए एन एंड द, ये आर्टिकल्स हैं और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 90% जो आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन 10% किए भी जाते हैं। अगर आपको सेंटेंस को एम्फेसिस देना है, सेंटेंस को ज़ोरदार बनाना है, जैसे कि जिना एक प्रॉपर नाउन है, तो यूजुअली जिना से पहले दा का यूज़ हम आर्टिकल का नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, इट वाज द जिना हु स्ट्रगल्ड फॉर पाकिस्तान, इट इज़ द कराची विच इज़ दी बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। सो इस तरह अगर आप सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप 10% प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो यहाँ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड अ रिक्वेस्ट, तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट हो या फिर कमांड हो, जैसे गो देयर, ये एक आर्डर भी हो सकता है, कमांड हो सकता है, कम हेयर, ये यहाँ रिक्वेस्ट भी हो सकता है, आर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। सो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। शी ऑफर्ड अस डैश फूड आइटम्स फॉर डिनर एंड वी वर हैप्पी। सो यहाँ डेलीशियस आएगा, डेलीशियस फूड का मतलब होता है लजीज या फिर मज़ेदार खाना। सो शी ऑफर्ड अस डेलीशियस फूड, उसने हमें मज़ेदार या फिर लजीज खाना ऑफर किया फॉर डिनर, डिनर के लिए, एंड वी वर हैप्पी, और हम जो थे वो खुश थे। डिड शी कम इन टू द पार्ट ऑफ अ डे लेट, दिस सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इंटरोगेट का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना, सवाल करना। सो इसलिए इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा गया है। आई लर्नड फर्च एट माई स्कूल, सो ये हेयर लर्नड इज ए। सो लर्न यहाँ क्या है, यहाँ एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लर्न की, लर्न जो है सेकंड फॉर्म है लर्न का, एल ई ए आर एन, और लर्न का मतलब होता है सीखना या इल्म हासिल करना। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आप सिंपल कहें कि आई लर्नड, इसके आगे कुछ लगाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं आई लर्न, तो ये कम्प्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कुछ होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, उनमें जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आई लाफ, ये कम्प्लीट सेंस दे रहा है, आई स्माइल, ये कम्प्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत होती है, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। एज यू डैश सो शैल यू रीप, सो एज यू सो सोशल यू रीप, ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का, इसका मतलब है जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक्सक्लेमेटरी साइन इज़ नोन एज, सो इस साइन को कहा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो है इस तरह के सेंटेंस जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, एक्सप्रेस किया जाए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो उधर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। सो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ यू हैड स्पोकन द ट्रूथ, अगर आप सच बोलते, यू डैश एस्केप्ड पनिशमेंट, सो यू वुड हैव एस्केप्ड पनिशमेंट। सो ये थर्ड जो है कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, थर्ड कंडीशन सेंटेंस का ये सेंटेंस है। थर्ड कंडीशन सेंटेंस वो होते हैं जो पास्ट में नहीं हुआ, और वो एक मौका था, वो एक अपॉर्चुनिटी था, अगर किसी ने उसको गवाया है तो उधर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है, उसको यूज़ करते हैं। और थर्ड कंडीशन जो सेंटेंस होते हैं, इसकी अहम बात ये है कि अब प्रेजेंट में वो काम इम्पॉसिबल है, पास्ट में पॉसिबल था, अगर किसी कोई करता तो वो अच्छी बात है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी था, अगर नहीं किया तो अब वो नहीं हो सकता, तो उधर हम कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं।
द कल्प्रिट हैज़ बीन चार्ज डैश मर्डर। सो यहाँ द कल्प्रिट हैज़ बीन चार्ज विद मर्डर, जो कल्प्रिट है मुजरिम है उसको चार्ज किया गया है मर्डर से, कत्ल से। सो चार्ज के बाद जो है प्रेपोजिशन विद का यूज़ किया जाता है। सो दीगर एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं, ही हैज़ बीन चार्ज विद ड्रिंक ड्राइविंग। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चार्ज के बाद विद का यूज़ किया गया है। आई हैव बीन चार्ज विद ऑब्स्ट्रक्शन, शी हैज़ बीन चार्ज विद परजुरी। सो इस तरह आप चार्ज के बाद विद का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। दे विल नाट कॉल डैश द मीटिंग। सो यहाँ दे विल नाट कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ का मतलब होता है पुट ऑफ कर देना, यानी कि मनसूख करना, कैंसिल करना। सो कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग testimony, testimony का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है testimony, और इसका मतलब होता है शहादत या फिर गवाही या फिर एतराफ़। यू आर टू एबाइड डैश द डिसीशन। सो एबाइड के बाद प्रेपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है। यू आर टू यानी कि यू शुड एबाइड बाय द डिसीशन, यानी कि अब जो ये डिसीशन है, ये फैसला है, आपको इसे मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, एग्री करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ही हैज़ बीन वेटिंग डैश 3 आवर्स। सो ये 3 आवर्स का टाइम दिया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों के बारे में आप ज़रूर स्टडी करें। सो यहाँ फार आएगा, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि वो 3 घंटों से लेकर अब तक वेट कर रहा है। सो यहाँ फार इसका करेक्ट आंसर है। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स। सो ऐसा शख्स, ऐसा कंट्री जो अपने कर्ज अदा ना कर सके तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है, जैसे कि श्रीलंका की आजकल कंडीशन है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा शख्स, ऐसा मुल्क जो अपना कर्ज़ा अदा ना कर सके उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, जिसे बैंक्रप्ट भी कहा जाता है। दे आर एज डिफरेंट एज, सो दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। डे एंड नाइट यहाँ जो है करेक्ट इसका होगा, और एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट का मतलब होता है मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ होना। जो है एक सेंटेंस भी मैंने दिया हुआ है, अल्दो अगरचे वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं, बट वी आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। सो इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यू मस्ट इम्प्रूव यूर स्पेलिंग इन द अबव सेंटेंस, द वर्ड इम्प्रूव इज़ ए। सो ये यहाँ मैन वर्ब है। इम्प्रूव, प्ले, ईट, गो एंड कम जो है ये मैन वर्ब की एग्जांपल्स हैं, और इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यू विल हर्ट यूर सेल्फ। हेयर यूर सेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ एंड देम सेल्फ, इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इनडिफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आप 3 से 4 एग्जाम्पल्स इनडिफिनेट प्रोनाउंस के आप मुझे कमेंट सेक्शन में काइंडली बताएं। द फादर सेड टू यू, यू मे गेट लेट टू कैच द बस ऑन टाइम। द फादर सेड टू मी यहाँ होना चाहिए, द फादर सेड टू मी यू मे गेट लेट टू कैच द बस ऑन टाइम। सो यहाँ होगा द फादर टोल्ड मी दैट आई माइट, मे चेंज होगा माइट में, आई माइट गेट लेट टू कैच द बस ऑन टाइम। सो इस तरह से यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मे को चेंज करेंगे माइट में, इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे, सैड को चेंज करेंगे टोल्ड में। आमिना इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। सो आमिना इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से खौफज़दा होना, डरना। सो इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है, अफ्रेड ऑफ। पोलैंड विच इज़ अ यूरोपियन कंट्री वाज अटैक्ड बाय हिटलर। सो यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, यूरोपियन से पहले या यूरोप से पहले ए का आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूरोपियन जो है ये सिमिलर, इसका जो साउंड है सिमिलर टू वाई है, नॉट ई है, इसीलिए हम यहाँ आर्टिकल ए का ही यूज़ करेंगे। द मीनिंग ऑफ मिसिव इज़, अगर आप मिसिव की बात करें तो इसका मीनिंग है, इसका सिनोनिम है लेटर,
क्योंकि मिसिव का मतलब होता है ख़त और लेटर का भी मतलब होता है ख़त. शी सेड टू मी आई रोट अ पोएम ऑन द मदर्स डे, सो शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन अ पोएम ऑन द मदर्स डे. सो इन्वर्टेड कामास को हम रिमूव करेंगे और सैड को हम टोल्ड में बनाएंगे. इस तरह हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और दैट का भी हम यूज़ करेंगे. कैन यू कीप द केट फ्रॉम क्लाइंग द काउच. दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन. अलिट्रेशन का ये एग्जाम्पल है. अलिट्रेशन वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही साउंड वाले वर्ड बार बार यूज़ किए जाए, जैसे कैन कीप केट क्लाइंग काउच. इस तरह दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है पीटर पिपर पिक्ड पैक पिकल्ड पेपर्स. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के सेंटेंस, इन्हें एलिट्रेशन कहा जाता है. शी रेड द बुक यस्टरडे. दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है. यस्टरडे जो है ये ऐसे वक्त को शो करता है जो कि गुजर चुका है. सो इसीलिए यहाँ ये पास्ट टेंस है. और अगर टुमारो होता तो फिर वो फ्यूचर टेंस होता. किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप उनको बाकायदगी से देखें. इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी. इस चैनल पर आपको अंग्रेज़ी के पास्ट पेपर्स पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे. इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, आप इसे ज़रूर विज़िट करें. ये वो वेबसाइट है जहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा testpoint.pk का. इसके साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. इसका पीडीएफ भी मैंने दिया हुआ है. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.